जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है मतलब बरसात के मौसम में हम आ चुके हैं भरत कुंड। तो दोस्तों हम भरत कुंड में अभी मतलब यहाँ पे घूमने टहलने आए थे थोड़ा, और हमने कहा आपके साथ यहाँ भरत कुंड का भी शेयर किया जाए वीडियो। और भरत कुंड के बारे में भी मैं कुछ बहुत अच्छी नॉलेज देने वाला हूँ, क्यों फेमस है, क्या है यहाँ पे। ऐसा कहा जाता है कि भरत जी ने जब प्रभु श्री राम जी जब वनवास के लिए गए थे 14 वर्ष, तब यहाँ पे भरत जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। 14 वर्ष तक यहीं पे तपस्या की थी भरत कुंड में। और मैं आपको बताऊँ, जब प्रभु श्री राम जी वापस आए थे, मतलब 14 वर्ष वनवास बाद जब प्रभु श्री राम जी वापस आए थे, तब उन्होंने अपने पिता श्री दशरथ जी का यहीं पे पिंडदान किया था। और इसको मैं बता दूँ आपको, इसको मिनी गया भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है जो विष्णु भगवान जी थे उनका एक पाँव गया में और दूसरे पाँव का स्पर्श चिन्ह यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के मैं आपको दिखाता हूँ उनका पूरा चारों तरफ का व्यू। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब, मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ भरत कुंड, जो कि अयोध्या से 16 किलोमीटर दूरी पे है। तो दोस्तों भरत कुंड के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे प्रभु श्री राम जी जब 14 वर्ष का वनवास के लिए गए थे, तो यहाँ पे ही भरत जी ने 14 वर्ष तक तप किया था, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों भरत जी की चरण पादुका वहाँ पे रखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और चलिए बिना किसी देरी के मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ, उसके बाद आपको आगे का नॉलेज मैं शेयर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं फिर। तो दोस्तों मैं लेके चला आया हूँ आपको चरण पादुका के पास। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको चरण पादुका सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे श्री चरण पादुका, श्री भरत सरोवर नित्य आरती। यहाँ पे समय शाम को 6:30 पे आरती होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चरण पादुका रखी हुई है, देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको पूरा भरत कुंड का पूरा यहाँ का पूरा दिखा दिया है। आपको व्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।